हेलो डियर स्टूडेंट, राइट, वेलकम। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, केन्शियन अप्रोच, मोटिव्स फॉर होल्डिंग मनी। इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, डिमांड फॉर मनी, व्हाई दी मनी आर डिमांडेड, व्हाई दी मनी आर डिमांडेड, हमें पैसा क्यों चाहिए, राइट। तो केन्शियन अप्रोच आएगा, मोटिव्स फॉर होल्डिंग मनी, तो मनी आर डिमांडेड फॉर थ्री रीजन। लोगों को पैसा चाहिए तीन चीज के कारण, क्या? एक है ट्रांजेक्टिव, सेकेंड है प्रिकॉशनरी, थर्ड है स्पेकुलेटिव। ओके, तो ट्रांजेक्टिव में क्या दिया ना, दो पार्ट दिया है, एक इनकम है और एक बिजनेस है। तो इनकम मोटिव हम लोग घर का एग्जांपल देंगे और बिजनेस में बिजनेस का एग्जांपल दे, राइट। तो ट्रांजैक्शन मतलब पैसा क्यों चाहिए इंसान को, लेन देन के लिए ना है। अभी किसी को कॉलेज जाना है तो कॉलेज दूर है तो रिक्शे से जाएगा, कुछ भूख लगी है तो कुछ खाएगा, तो डे टू डे ट्रांजेक्शन लेन देन के लिए, तो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन मोटिव। तो ट्रांजेक्शन मोटिव में क्या दिया, एक इनकम दिया और एक बिजनेस दिया। तो इनकम में क्या दिया, मालूम है क्या? इनकम मोटिव मीन्स इट रेफर्स टू ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, पैसे की जरूरत है बाय वे ऑफ वेज एंड सैलरी, लोग कमाते हैं काम करके, राइट। दे रिसीव देयर इनकम वंस इन ए मंथ, महीने में एक बार मिलता है पैसा या डेली मिलता है किसी को। तो मनी क्यों चाहिए लोगों को, अपना घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरी, राशन पानी के लिए ना है, तो घर चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बोलते हैं इनकम मोटिव। क्या बोलते हैं? और एक होता है बिजनेस मोटिव। अभी किसी का बिजनेस है तो बिजनेस चलाने के लिए डे टू डे ट्रांजेक्शन लगता है ना, क्या ट्रांजेक्शन लगेगा? जैसे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, पगार देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा। तो जो बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए उसको बोलते हैं बिजनेस मोटिव। क्या बोलते हैं उसको? बिजनेस मोटिव। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ट्रांजेक्शन। तो लोगों को पैसा क्यों चाहिए? लेन देन के लिए चाहिए। क्यों चाहिए पैसा? लेन देन। तो एक इनकम और एक बिजनेस, सिंपल। तो पैसे की जरूरत ट्रांजेक्शन के लिए। सेकेंड जरूरत है प्रिकॉशनरी। क्या है प्रिकॉशनरी का मतलब? होता है लोग पैसा सेविंग करते हैं। देखो, आपके पेरेंट्स, सबके पेरेंट या कोई भी हो इंसान, वो पैसा क्या करता है? सेव करके रखता है, राइट। सेव क्यों करके रखता है मालूम है? क्योंकि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने लगा, कुछ आइडिया है क्या? नहीं। इलनेस आ सकता है, बीमार हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या जॉब छूट सकता है, या लॉकडाउन जैसे पीरियड आ सकता है, तो ऐसे टाइम पे ये पैसा काम आएगा ना, इसके लिए उसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। इसके लोग क्या करते हैं, पैसे को सेव करते हैं, पैसे क्यों साइड में निकाल के रखते हैं। दिए रहते को एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी ओवर एंड अबाउ दी नॉन रिक्वायरमेंट, मतलब जितना का रिक्वायरमेंट है। सपोज किसी के घर की जरूरत है 20,000 महीने की, अब उसको 30,000 आ रहा है, तो 20,000 की जरूरत पूरा करेगा, 10,000 को साइड में रखेगा। तो फॉर कंटिजेंसी मतलब फ्यूचर के लिए, सडन एक्सपेंडिचर आ सकता है ना यार। मनी में भी रिक्वायर्ड टू मेक अ फॉल इन इनकम ड्यू टू टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब छूट जाएगा तो पैसा काम आएगा। अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर जो हमने देखा नहीं है पर फ्यूचर में हो सकता है, फॉर दैट रीजन मनी आर डिमांडेड एंड दैट इज नोन एज प्रिकॉशनरी मोटिव। उसको क्या बोलते हैं? जो हमको मालूम नहीं है पर हम लोग रखते हैं। तो मतलब सेविंग क्यों किया? सेफ्टी के लिए, सिंपल। किसके लिए कर रहे हैं? सेफ्टी के लिए, सिंपल। और थर्ड रीजन क्या दिया है? स्पेक्युलेटिव। क्या दिया है वर्ड? स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है जैसे बोलते ना, लोहा लोहा को काटता है, तो वैसा पैसा पैसे को बनाता है। मनी मेक्स मनी मतलब क्या करता है इधर स्पेक्युलेटर, क्या करता है मानी मेके? मान लो गोल्ड, सोना, अभी गोल्ड 50,000 है, राइट। तो जो जिसके पास 10 लाख 20 लाख रहता है ना, जैसे गोल्ड का भाव 45,000 आ जाएगा ना, वो परचेस करेगा, क्या करेगा? बाई करेगा। फिर जैसे गोल्ड का भाव 55,000 चला गया, मतलब ज़्यादा हो गया, तो क्या कर देगा? बेच देगा। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं? पैसे को होल्ड करते हैं, पैसा को रखते हैं अपने पास, जब भी कुछ चीज़ गिरता है तो उसको बाय करते हैं, जैसे भाव बढ़ गया तो उसको क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव पर्पस। क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव मतलब ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, राइट। तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव। तो डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव इज रिलेटेड टू स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब पैसा संभाल के रखा जाता है। स्पेकुलेटिव इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशन, उससे अलग होता है, राइट। मतलब एसेट बनाना, पैसा बनाना। क्या बनाना? पैसा बनाना। तो जो भी चीज़ गिरता है उसको खरीदते हैं और जैसे भाव बढ़ गया उसको बेचते हैं। तो उसका सिंपल एग्जाम्पल है स्टॉक मार्केट। शेयर का प्राइस जैसे ही बॉटम पे आता है लोग बाय करते हैं, जैसे शेयर का प्राइस बढ़ जाता है उसको क्या करते हैं? बेचते हैं। तो ये इतना हिस्सा उसका प्रॉफिट हो गया ना यार, मतलब 80 में खरीदा और 130 में बेच दिया, तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव पर्पस। क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव। तो ये रीजन के लिए पैसा को क्या किया जाता है? डिमांड किया जाता है। अब ये तीनों को आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, होल्डिंग फॉर मनी, ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव। ट्रांजेक्शन में दो बोला ना, इधर क्या लिखा था? हाँ, तो एक आंसर तुम्हारे लिए एकदम प्यार से करा दिया। ये आंसर कहाँ लिखना है? जब ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, क्या लिख के आएगा? ये डिमांड फॉर मनी आएगा, ये कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो ये वाला आंसर डाल देना तुम्हारा, ठीक है। थैंक यू।